हेलो गाइस, दिस इज मेरा ऑलमोस्ट न्यू वाचिंग थंडर एट सी। सो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले द ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज के बारे में, ग्रेट ईस्टर्न एकेडमी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वहाँ पे कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं, पहले बात करें ETO, उसके बाद में GME, DNS एंड GP रेटिंग। सर, एक बंदे ने मुझे कमेंट की हुई थी, तो उस पर उस बंदे को बताना चाहता हूँ उसके एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, उसका क्या पैटर्न होता है और वहाँ पे क्या क्या क्वालिफिकेशन लगते हैं। अगर बात करें क्वालिफिकेशंस की, तो क्वालिफिकेशंस में आपको 10+ ITI या आपको 3 साल का डिप्लोमा करना पड़ेगा अगर आपको ग्रेट ईस्टर्न में एडमिशन लेना है। तो आपको ITI कौन सी करनी पड़ेगी, मैकेनिकल में, टर्नर में, वेल्डर में, फिटर में या इलेक्ट्रिकल में। अगर आप इन ट्रेड से ITI करते हैं तो आप एलिजिबल हो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद आप सेम स्ट्रीम से आपका डिप्लोमा भी पास आउट करते हो तो आप भी एलिजिबल हो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। बात करें इसके एंट्रेंस एग्जाम की, तो एंट्रेंस एग्जाम में इसका कोई एग्ज़ाम नहीं होता दोस्तों, पेपर नहीं होता, जैसे कि NUSI और TS रहमान का होता है। तो इसमें क्या होता है, सिंपली आपको जनवरी बैच का नहीं तो फिर जुलाई बैच का फॉर्म जो है फिलअप करना पड़ता है। आपको डायरेक्टली एक मेल आता है, मेल में उस इंटरव्यू का एग्ज़ाम लिंक होता है, वो इंटरव्यू आपको अटेंड करना पड़ता है दोस्तों। उसमें आपको ITI बेस और जो 10th बेस और सिंपल साइंस एंड इंग्लिश क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। अगर उन्हें आपका इंटरव्यू अच्छा लगा, आपने सही से जवाब दिए, तो आपको सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में एक सिलेक्शन का एक मेल आपको दे देंगे। तो ऐसे सिलेक्शन होता है, इसमें कोई पेपर और कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होती स्पेसिफिक, मीन्स इसमें बस एक इंटरव्यू होता है, कोई MCQ पेपर नहीं होता। अगर बात करें यहाँ पे फिजिकल की, तो फिजिकल में आपकी हाइट 197 मीन्स 157 एंड वेट अराउंड 48 केजीज होना चाहिए, 48 किलो का। उसके बाद बात करें फीस की, तो फीस होती है 4,50,000। तो आई नो दोस्तों कि फीस थोड़ी ज़्यादा है, बट एज कम्पेयर टू अदर कॉलेज ये कॉलेज आपको 100% प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें ETO की या GME की, DNS की या फिर GP रेटिंग की, ग्रेट ईस्टर्न की खुद की शिपिंग कंपनी है, तो उसमें वो आपको आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद में ट्रेनिंग दे देते हैं, उसके बाद में उसमें आपको जॉब लग जाती है उनके शिपिंग कंपनी में। तो बात करें इनके कोर्सेज कब कब निकलते हैं, तो इनके कोर्सेज निकलते हैं जुलाई, इनकी एक बैच होती है जुलाई की और एक होती है जनवरी की, सेम जैसे कि अदर कॉलेजेस की होती है, जैसे कि TS रहमान एंड NUSI के। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपको 100% प्लेसमेंट यहाँ पे प्रोवाइड होती है। GP रेटिंग का बस ये एक ही कॉलेज है ऑल ओवर इंडिया में जो आपको स्पॉन्सरशिप यानी प्लेसमेंट आपको 100% प्रोवाइड करता है और उसकी एक गारंटी देता है। अगर बात करें अदर कॉलेजेस की, वहाँ पे आपको प्लेसमेंट तो मिलेगी जैसे कि NUSI और TS रहमान की, बट वहाँ पे वो अश्योरेंस नहीं देते। यहाँ पे आपको 100% अश्योरेंस मिलता है, एक लेटर मिलता है उनकी तरफ से कि आपको ये ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी से स्पॉन्सरशिप है, उसके बाद में आप उस कॉलेज में एडमिशन लोगे और उसके बाद में आप 6 महीने की ट्रेनिंग करोगे। तो ये था दोस्तों ग्रेट ईस्टर्न मैरीटाइम स्टडीज के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बहुत सारे बंदे मेरा वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, सो प्लीज काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो अगर आपको कोई क्यू रहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और मुझे वहाँ पे पूछ सकते हो। तो मेरा इंस्टाग्राम ID यहाँ पर है। थैंक यू।